तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। बैंकों के निजीकरण के प्रयासों के विरोध में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। बैंक ऑफ इंडिया महेश्वर के कर्मियों ने सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध में शाखा के समक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं बैंक कर्मी रिचिता महा ने बताया कि निजीकरण होने से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसके विरोध में लामबंद होकर हड़ताल की है। बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी है कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और साथ ही धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से बैंक कर्मी पंकज कुमार, रिचिता महार, साधना लंकेश यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, ये किस चीज को लेकर किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं इस विरोध के लिए, बैंक निजीकरण के जो अगेंस्ट हम विरोध कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं यह बताना चाहूंगी कि यह विरोध हम जो निजीकरण का जो बिल सरकार लाना पास करना चाहती है उसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, आज विरोध कर रहे हैं। और हम ये जताना चाहते हैं कि ये जो निजीकरण का प्रस्ताव रखा जा रहा है ये जनता के पैसों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और खिलवाड़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो निजीकरण है, आज जितनी तेजी से इस पे बात हो रही है लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं जो आम जनता के लिए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात ना रखें, हम आम जनता की मांग को आगे रखें ये आज विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर निजीकरण होता है तो निश्चित तौर पे जो इस देश में जितनी भी जनता है, आधे से ज्यादा क्या बोलूं मैं, बहुमत जो जनता है वो सभी एक बहुत ही आम परिवार से आते हैं जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। और उनकी वो जमा पूंजी अगर निजीकरण हो जाता है तो वो जो जमा पूंजी है उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इसी बात के लिए हम विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, वो किसी कारणवश ही किया था ताकि जो आम जनता का सरकारी बैंक पे जो विश्वास है वो बना रहे। लेकिन आज सरकार उसी विश्वास को वापस से तोड़ना चाह रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये निजीकरण को रुक जाना चाहिए, ये बिल वापस ले लेना चाहिए? इसीलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। रिचिता महावर, बैंक ऑफ इंडिया। आपने दो दिन जो स्ट्राइक किया था उसमें आप लोगों का सैलरी जो कटा है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, दो दिन की सैलरी जो कटी है सर, वो ये जो आम जनता का पैसा उसके सामने बहुत ही मामूली सी बात है। हमने ये जो अपनी तरफ से ये योगदान दिया है ये सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा, आप लोगों की कमाई हुई जमा पूंजी के लिए ही योगदान दिया है। तो सर ये बहुत ज़रूरी था, ये पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी था और ये हड़ताल करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आगे भी सरकार नहीं मानती है हमारी मांगे तो हम ये हड़ताल आगे भी कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारे जो प्रस्ताव हैं वो जल्द से जल्द कबूल हो जाए। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रिचिता महावर, बैंक ऑफ इंडिया मंडी। महेश्वर से संवाददाता सलमान खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।